आराम अकेले तो नहीं जा रहे, कासिम भी है, मानूर भी साथ जाएगी। हाँ लेकिन कोई बड़ा भी तो साथ जाना चाहिए ना। और इस केस में यकीनन वो बड़ी आप होगी, है ना? और कौन हो सकता है? ना वो सुनारा, वैसे तो तुम बात बात पे कहती हो कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और घूमने फिरने के लिए फौरन से बड़ी बन गई। चालाक हो तुम। एक सेकंड, क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ राष्ट्र? जब देखो तुम मेरी बहन के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। कभी उसकी चुगली करती हो अम्मा बी से, कभी कोई बात तुम्हें बुरी लग जाती, कभी कुछ कभी कुछ, क्या मसला क्या है? अरे साफ नजर तो आ रहा है ना, तो इसकी कोई बेटी है और ना ही कोई बहन, तो इसे क्या पता कि बहन की मोहब्बत क्या होती है और बेटी की इज्जत कितनी अहमियत रखती है। बस हुसैन आरा, अब एक लफ्ज बिना बोलना, और आज के बाद इस किस्म की बात घर में ना हो। आरा, आप इतनी जली कटी बातें क्यों करती? बहुत हर्ट होती है। हाशिम चलो तुम जाओ कासिम और लड़कियों को लेकर, ले जाओ उन्हें बाजार। मगर अम्मा भी, एक लफ्ज भी नहीं और सुनूंगी। जाओ हाशिम बेटा। थैंक यू अम्मा। मैं अपना पर्स ले आऊं, कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे घर के बच्चे हैं और हमारे घर के बच्चों की तरबियत पर शको शुबा नहीं किया जा सकता। किसी को इनकी चौकीदारी की जरूरत नहीं है। वैसे इंसान के साथ जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, अपने नियत और अमालों की वजह से होता है। और तुम्हारे साथ भी जो कुछ हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी नियत की वजह से हुआ। देखा कैसे बातें सुना के चली गई है मुझे। ठीक तो कहा है उसने, क्या गलत था? बहुत कड़वी बात कही है आज। देखो सुनारा, इस घर के लोगों में जितने भी इख्तलाफात पैदा हो जाएं, लेकिन जो कमियां अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उस पे कभी कोई ताना नहीं देता। फर्ज करो अगर वो तुम्हारी बहन के लिए बोल देती कि बेटा तो तुमने भी नहीं दिया इस घर को, क्या कर लेती तुम? हाँ सोच समझ के बात किया कर। वो सुनारा, इस घर में एक तो ही बड़का जज्बात नहीं है, भरी पड़ी है यहाँ पे इधर उधर, सारा प्लान चौपट हो गया मेरा मोहल जाने का। हेलो। पीसा बॉय। जी पीसा बॉय। जी मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ आपके पास, आपकी अमानत वापस करने। आज मैं घर पे नहीं हूँ, कल आना तुम। अच्छा फिर बता दे कल किस टाइम पे आऊँ। 3 बजे के बाद। 3 बजे, अच्छा ठीक है, बाय बाय।
छोड़ूंगी नहीं मैं, बदला तो जरूर लूंगी। सुमन दिलो कहाँ तक चले गए? क्यों तुम्हें ऐसा डर लग रहा है? नहीं नहीं ऐसी पूछ रही हूँ। आरो भूख लग रही पक्का? हाँ मैं कासिम से पूछता हूँ कि ये लोग कहाँ। जी आशिम भाई। हाँ भाई ये लोग कहाँ हो? बस यही पास वाली दुकान पर है। हम लोग फूड कोर्ट जा रहे हैं, तुम लोग वहाँ आ जाओ ठीक है? जी जी हम आ रहे हैं। चलो ओके पहुंचो। ओके ओके चले। हाँ मैं ये समझता हूँ कि अब्बा मियाँ चाचा और अबू सबने बहुत मेहनत की बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने, लेकिन यार टाइम से सही जब ऐसा नहीं होता, बिजनेसेस चेंज हो गए हैं, उनको करने का तरीका चेंज हो चुका है। जिस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं ना उससे ये बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आई एग्री विद यू, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? मेरे आइडियाज से क्या होता है यार, लोगों के आइडियाज बदल गए ना, अब शादियां दिन में हो रही हैं, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं। सही है, हर क्लाइंट का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है शादी को लेकर, वो अपने हिसाब से यूनिक अंदाज में डिजाइन करवाना चाहते हैं, यूनिक थीम्स हैं, एंड दे वांट टू पर्सनलाइज इट, दे वांट टू ओन इट, ऐसा ही है। यस हमारे पास वही बलून्स हैं, वही पुराने बर्तन, वही कराते हैं और हम उससे निकलते ही नहीं है। अगर मेहंदी है तो थीम होगी ग्रीन, ठीक है ना, येलो ग्रीन, और शादी है तो रेड, और अगर सालगिरह है लड़का है तो ब्लू, लड़की है तो पिंक, और रज के पिंक, हमें उसमें से निकलना होगा। बात कही ऐसा ही है ना, तो मैं ये चाहता हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, और मुझे लगता है कि तुम ये बहुत अच्छे से सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हो। एग्जैक्टली मेरा भी यही प्लान है, और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए। अगर हम अभी यहाँ नहीं आए होते ना तो मैं घर पर बैठ के यही डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे मैं फ्रेंकली तुम्हें बताऊँ, ऑफिस में मैं यही डिस्कस कर रहा होता लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता। हाँ भाई क्या बातें हो रही है भाई, बिजनेस की बातें हो गई क्या? शादी कब कर रहे हैं? अरे कहाँ शादी की बातें कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे भाई। मुझे तो ये सोच सोच के हंसी आ रही है कि आरा वहां पे तड़प रही होगी। तुम्हारी आरा के साथ कुछ खास दुश्मनी नहीं है वैसे? हाँ ऐसा ही है, ये दुश्मनी नहीं है, प्यार कहते हैं उसे, प्यार। अजीम वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, खैरियत से हो ना? अरे अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मुझे फोन कर लिया, अब तो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अरे तुझे भी ख्याल नहीं आता ना अपनी माँ का, वापस कब आ रहा है बता, जरूरी बात करनी है? हाँ हाँ बोल, क्या जरूरी बात करनी है? ये क्या कह रहा है तू, ये कैसी बात कर रहा है? नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है अजीम, ये झूठ है, तू ऐसा नहीं कर सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुनना। हेलो हेलो अजीम, अजीम मेरी बात सुन। अम्मा वो धोबी, अम्मा भी क्या हुआ आपको, आंखें खोले, अम्मा भी यहाँ आ रहा जल्दी से आओ, अम्मा भी आंखें खोले, क्या हो गया पता नहीं, अम्मा भी पता नहीं, तू जल्दी से जाके ना अब्बा मियाँ को कॉल करो,
जल्दी जाओ, मैं करती हूँ। अम्मा आंखें खोलिए, अम्मा भी आंखें खोलिए, अम्मा भी आंखें खोलिए, अम्मा भी क्या हो, जल्दी से आओ, अम्मा भी आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको, अम्मा भी आंखें खोलिए। गाइस मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाएं, कुछ ऑर्डर करें। हाँ तो तुम लोगों ने क्या खाना है बताओ, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ, मैं फ्राइड चिकन खाऊंगा। अच्छा तो ये यहाँ थे, तभी मुझे आने से मना कर रहे। मैं और मानोज भी फ्राइड चिकन खा रहे हैं। हम ठीक है, लेकर भी ले आना। अरे तुम, क्या नाम था तुम्हारा? अयान। हाँ अयान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अब तुम्हारे दोस्त कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा अच्छा यार, आज तुम काफी डिफरेंट लग रहे हो। अच्छा क्यों? नहीं मतलब उस दिन जब हम मिले थे उसके हिसाब से आज काफी फर्क है। अच्छा खैर इसको छोड़ो, उस दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भूल गया था मैं। शुक्रिया कैसा भाई, मेरा फर्ज था। अच्छा अपना नंबर तो दो, उस दिन नंबर भी लेना भूल गया था मैं। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। हाँ मेरा नंबर लिखो। ठीक है मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ। हाँ चलो मैं ऑर्डर कर लूँ, जरा तुम एंजॉय कर सो, मिलते हैं फिर। बस बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने तो हमें डरा ही दिया था जुबैदा। मवेश डॉक्टर ने कुछ जरूरी टेस्ट लिख के दिए हैं, प्लीज वो करवा लीजिएगा, मना ना कीजिएगा। अम्मा भी ये तो शुक्र है कि हमारे आने से पहले आरा मोहल्ले के उस डॉक्टर को ले आई और उसने आपको ट्रिप लगा दी, वरना सनारा को भेजो ना मेरे पास। अरे कमाल कर रही हो तुम, भाई डॉक्टर ने कहा है कि तुम आराम करो, अभी तो सब मिल गए तुमसे। जी जी मबी, आप आराम ही करें तो बेहतर है। और कल मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, मैं आपके सारे टेस्ट करवाऊंगा। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसी जरा बीपी लो हो गया था। नहीं नहीं अम्मा भी जिद ना करें, कल ये ऑफिस से छुट्टी करेगा, आपको ले जाएगा, ये सारे टेस्ट करा लेगा। अच्छा भाई जो तुम्हारी मर्जी। हम चलते हैं फिर। चल आराम करें। चलो जुबैदा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं नहीं कुछ नहीं छुपा रहे, सुने थे आप मुझे। चलो ठीक है सो जाओ। सनारा तूने तो डरा ही दिया, मुझे लगा कोई भूत भूत आ गया। भाई तो लोग डरने मरवा गए इस घर में, वैसे डर तो मैं भी गई थी। तुम इसका क्या क्या चहलकदमी कर रहे हो? और यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो? खैर पूछने की क्या जरूरत, नजर तो आ ही रहा है। अरे भाई अम्मा भी की बीमारी अपनी जगह, लेकिन तुम्हें पता ना बैठना मुझे नींद नहीं आती, आते पुलवल्ला पड़ती है मेरी। तुम्हें पता है ना कि आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया और तुम यहाँ बैठी पेट पूजा कर रही हो। मुझे छोड़ो अपनी बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मैं तो जरा फ्रिज से पानी लेने आई थी, प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा। पानी लेने आई थी कपड़ा जब भर कर रखी गई थी मेरे सामने रात को तुम। हाँ वो तो खत्म हो गया था ना। अच्छा चलो लो खा लो थोड़ा सा तुम भी, पता है मुझे भूखे पेट तुम्हें भी नींद नहीं आती। हाँ ये बात तो है। वैसे ना कसम से एक बात है, तुम हो बहुत शातिर औरत, अंदर की बात भी समझ आती है। एक्सक्यूज मी, आई एम अ गर्ल, एन अनमैरिड गर्ल,
आई एम नॉट अ वुमेन. अच्छा वैसे एक बात है, आज तो अम्मा भी ने डरा ही दिया था. सच में असली क्या हो गया था? कसम से मैं तो डर गई थी और ऐसे थर 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 कांप रही थी मैं. अब ऐसे भी नहीं कांप रही थी, झूठी कहेगी. अच्छा ना, खैर वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई. कि कम से कम अजीम को बता ही देते. अगर बता देते तो हो सकता है वो अपनी बीमार माँ का ही सुनकर दौड़ा चला आता. राजदा, जिंदगी में ना पहली बार तुमने अपेल की बात की है. सुबह ही फोन करवाऊंगी मैं शमीम भाई से. अजीम का नाम सुन के कैसे मोटे मोटे गाल और लाल होंगे तुम्हारे. खबर ना जो मैं लाल गालों पे नजर लगाई तो. नेचुरल ब्यूटी है मेरी. ऐसा बोलो, सुन लेगा हमारी बातें और देख लेगा खाना खाते हुए. दरवाजे ही बंद कर देती. अच्छा सो खाना खाने का मतलब बर्तन धो के रखना. एक्सक्यूज मी, मैंने गर्म किया है, तुम बर्तन धो के रखोगी. कहाँ गर्म किया? फ्रिज में ठंडा पड़ा हुआ सालन पूरा. तोड़ दो मक्का, तोड़ दो. चलो अपना खुद गर्म बन. भूख लग रही है मुझे भी सच में. अरे बेटा जोर से दबा, जान नहीं है क्या हाथों में? वो अब्बा मियाँ, मैं ये पूछना आई थी कि आपने अजीम को अम्मा बी की बीमारी की खबर की? अरे नहीं बेटा, उसे इतनी दूर परेशान करने की क्या जरूरत है? या हम तो है ना सब. हाँ अब्बा मियाँ, वो हो सकता है कि अम्मा बी की बीमारी की खबर सुनकर ही वो वापस आ जाएं. हो सके तो उनको फोन कर लें प्लीज. अब्बा मियाँ वैसे मेरा ख्याल है उन्हें बता तो देना चाहिए. बात तो ठीक कह रही है. अच्छा तुम ऐसा करो कि जरा फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ. नहीं नहीं अब्बा मियाँ, अभी फौरन तो कॉल नहीं कर सकते ना. इस वक्त वहां पर काफी रात हो रही होगी, सो रहे होंगे. चंद घंटों बाद करते हैं ना बात. अच्छा आशिम भाई, आज आप ऑफिस मत जाइएगा, घर पर ही रहे. अम्मा भी को हॉस्पिटल लेके जाने. हाँ नहीं नहीं वो शमीम ले जाएगा उन्हें अस्पताल. इसको ऑफिस में कुछ काम है, ऑफिस जाना है इसे. जाओ बेटा, तुम तैयार हो और ऑफिस जाओ. जी अपन. सही से दबाओ. दबा रहा हूं. सही कह रहा है वो? सही नहीं दबा रहा. जरा जान लगा. ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूं. पता नहीं आपका चेहरा देखकर मुझे बहुत अजीब लगा. क्या मतलब? बाहर जब अम्मा बी की तबीयत को लेकर बात हो रही थी तो आपका चेहरा बहुत परेशान और उदास था. अम्मा की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है. या अल्लाह खैर, क्या हुआ है उन्हें? उनका दिल बहुत ही कमजोर है, इतना कमजोर कि बाईपास भी मुमकिन नहीं है. और हाल ही में एंजाइना अटैक्स भी हुए. क्या? ये बात अम्मा भी या अब्बा मियां तक नहीं पहुंचनी चाहिए. बस अल्लाह ताला अम्मा बी को सेहत मंदी और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए. आमीन आमीन.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बाप हर वक्त गोदाम में बैठे रहते हैं, ऑफिस आ जाया करें, घर आ जाया करें। यार ये क्या बकवास है यार, इतना सारा हिसाब किताब इसमें किया और ये एकदम से बंद हो गया। जाओ यार इसमें सर डलवा के लाओ यार। अब्बू खुदा का वास्ता है पुराने दौर से निकला है, मैंने आपको कितनी दफा समझाया। एक मिनट रुको, ये चेक करें सारा हिसाब किताब, हम इस पर बड़े सुकून से कर सकते हैं। बैटरी डेड भी हो गई तब भी डेटा सेव रहेगा। दो बटन, टोटल दो बटन लगते हैं कंट्रोल एस के, आप सेव करते जाएंगे सब कुछ सेव रहेगा, प्लीज यूज कर लें। तो काम की चीज जी, आपसे कब से कह रहा, अगर हम सब कुछ कंप्यूटराइज कर लेंगे हमारा काम एफिशिएंट हो जाएगा। अब ये जो फाइलें ढूंढते रहते हैं, रसीदें निकालते रहते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एक एक क्लिक पे सब होगा, प्लीज कर लें। इतना भी तो अपने बाप को ना कोई बेकार आदमी ना समझो, ये सब चीजें मुझे आती हैं मगर ये नहीं आता हिसाब करना। आओ बताओ समझाओ, बल्कि एक मिनट रुको, समझाना क्यों है, ये पकड़ो, बेटे बड़े हो गए तो बाप का बोझ बांटो, ये लो जाओ हिसाब किताब करो, बनाओ फाइल। सब कुछ मैं करूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? और एक मिनट, अगर कल को मैं यहाँ ना हुआ तो फिर ये सब कुछ कैसे करेंगे आप? सीखना जरूरी है ना। तो तू कहाँ जा रहा है? तू कुछ लौंडिया है जो शादी होके कहीं चला जाएगा? मुझे पता है तो नहीं, यही रहना है, मेरे सीने में मूंग दलनी है। चल आ सिखा। ऐसा सोचते हैं आप मेरे बारे में? अबे हाँ चल कर आ जा सीने में, आपको अच्छा यूनिवर्स का स्टार्ट बेटर। ठीक है आई लव यू, आराम से आराम से। अम्मा भी पानी। शुक्रिया बेटा, नाहक तकलीफ थी तुम्हें। कैसी बातें कह रही हैं आप, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ कुछ टेस्ट करवाए हैं, वो रिजल्ट अम्मा भी के डॉक्टर की मेल से दिया, बाकी के रिजल्ट शाम तक आ जाएंगे। भाईजान खुदा ना खास्ता कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात। तुम यही बैठना चाहोगी या अंदर चल के आराम करोगी? अकेले कमरे में तो मेरा जी घबराता है, बेहतर है यहीं बैठो। इसे अम्मा भी सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि यहाँ बैठ के बहुओं पे नजर रखना चाहती? चलो तुम यही समझ लो। अम्मा भी मैं जरा इन्हें चाय देकर आ जाऊं, आपकी यखनी बना दी है मैंने। हाँ हाँ तुम जाके चाय बनाओ, यखनी मैं लेकर आती हूँ मम्मी के लिए। अल्लाह पाक इन बच्चियों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, मैं बड़ी खिदमत करती हैं ये। आमीन। ये हुसन आ रहा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? तुम्हारे आने से पहले तो यही थी वो, ये कह के गई है कि नमाज पढ़ के आती हूँ, बस आने वाली ही होगी। अच्छा अच्छा अल्लाह पाक अम्मा भी और अब्बा मियाँ को सेहत दे यार, बहुत डर गया था यार। वाकई ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ गिरा दिया हम पर। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मा बी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब अम्मा भी ठीक नहीं है, मैंने खुद सुना था डॉक्टर ने जो ताया अब्बू और अब्बू से कहा। क्या कहा था डॉक्टर ने? कह रहे थे कि इनके तमाम टेस्ट कराएं, शायद उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। क्या क्या आज मजा आएगा, आज मजा आएगा, चोट पकड़ा जाएगा। आ रहे तुम पेंडुलम की तरह क्यों हिल रही?
कसम से नमाज पढ़नी दो घर फिरती है, बार बार ध्यान आपे की तरफ जाई जा रहा है। बात सुनो भाई, अगर दिल लगा के ध्यान से नमाज पढ़ोगी ना तो कभी भी ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। जिनका दिल नहीं होता ना नमाज में, उन्हीं को शैतान बहकाता है। शैतान तो बहका ही रहा है। ये शैतान कह के तुम दोनों मुझे क्यों देख रही हो? अभी भी समझाने की जरूरत है क्या? आ गया हेलो। हाँ आ रही हूँ। मानूर तुमने नमाज पढ़ ली ना? एक काम करो, वो बाहर ना वो डिलीवरी बॉय आया है पिज़्ज़े वाला, वो उस दिन मेरे बकाया रह गए थे ना, तो मैंने उसकी कंप्लेन कर दी कि वो बकाया देकर नहीं गया, जाओ जल्दी से लेकर आओ उससे। आपने 150 रुपए के लिए कंप्लेन कर दे? 150 रुपए जो है ना कमाए जाते हैं, आसमान से नहीं गिरते। 150 रुपए के लिए कंप्लेन कर दी, और तुम्हारा क्या लगता है वो जो उसकी इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें? मेरा क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। तो फिर जाओ लेकर आओ जल्दी। ठीक है जा रही हूँ। दुपट्टा सर से लेके भी जा सकती थी फौरन से उतार के, जल्दी से बाल बाल खोल के। आरा आप नमाज नहीं पढ़ेंगी आज? बेबी मैंने नमाज पढ़ ली, तुम लोगों की तरह नहीं, जब कजा होने में 20 मिनट रह जाए ना तब नमाज पढ़ने खड़ी होती हो तुम लोग। हाँ ये बड़ी नहीं, मैं आज नहीं पढ़ रही। आज मजा आएगा। जाओ सरा। हुसनारा जी इधर आओ। लगता है आज इस रंगे हाथों नहीं पकड़ पाऊंगी। कहाँ जा रही हो? मैं तो आ रही हूँ ना, काम से जा रही हूँ। इधर आओ ना। आ रही हूँ जी। बोलिए कहाँ जा रही हो? मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। कुछ चाहिए था तो मुझे बता दो। इधर आओ बैठो मेरे पास। वो मुझे काम है थोड़ा सा। हाँ काम है, इसमें बैठो इधर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो ये आपके बकाया पैसे। थैंक यू। अब पैसे दे दिए ना तो अब जाओ, मेरा वक्त क्यों कर बात कर रहे हो? मैं तो अब बात करना चाह रहा हूँ। किससे? आपको अपने साथ शादोआबाद। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हाँ मतलब मैं ना समझू? हाँ हाँ समझू मैं। अरे नहीं मतलब हाँ वाला ना, नहीं ना ना ही समझो तुम। दिल तोड़ दिया आपने मेरे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये देखें मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर गिर रहा है। वैसे तुम्हें एक्टर होना चाहिए था, हैंडसम भी हो और ओवर एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हो। हाँ वैसे कोशिश तो मैं कर रहा हूँ एक्टिंग की। देखो सनारा बेटा, अगर कुछ चाहिए हो ना तो बता देना मुझे। अरे अम्मा भी क्या हो गया आपको, पिछले 5 मिनट से एक ही बात की जा रही है, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे बताना, क्या मसला है? नहीं बेटा मसला तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ ना कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। वैसे बनता तो मेरा था कि तुम मुझसे पूछो कि मुझे कुछ चाहिए, मगर मैं फिर भी तुमसे पूछ रही हूँ बेटा कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। अम्मा भी ये आपके बार बार कुछ चाहिए पूछने से ना मुझे ये गुमान हो रहा है जैसे मुझसे कुछ छीनने वाला है। नहीं 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 बेटा, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं।
अच्छा अम्मा भी आपकी कुछ चाहिए की रेट खत्म हो गई है ना, तो मैं जरा देख लूँ बाहर कोई आया है। अब मुझे मत रोकना अम्मा भी, खुदा के वास्ते मत रोकना, मत रोकना। है क्या हुआ? अब ये बकाया वो चला गया कौन? अरे पिज्जा बॉय और कौन? हाँ चला गया। आज तो ऐसे रंगे हाथों पकड़ना था मुझे, ऐसा तमाशा लगाती कि याद को याद करती। आओ बेटा आओ, आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा। मेरी चांद सी बेटी, बड़े लाड हो रहे। देख ले चांद में कहीं दाग ना हो। अम्मा भी आप जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि हम सबका दिमाग दुरुस्त कर दें। आप फिक्र ना करो, तुम्हारी अम्मा भी अभी कहीं जाने वाली नहीं है। अभी तो हाशिम की दुल्हन बनाना है नाजबीन को, है ना? अल्लाह मियां आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। और अल्लाह करे कि इनकी वजह से हमारे मिशन इम्पॉसिबल ना हो, जो कि हो रहे हैं। हाय जी, कौन है? कोई बात नहीं बेटा, बस कभी कभी ये ऐसी बातें करती है। अम्मा भी कभी कभार? आप भी थोड़ा थोड़ा झूठ बोलती हैं वैसे कभी कभार। नहीं नहीं बेटा, बहुत मुश्किलात देखी है इसने, और आगे भी पता नहीं क्या होगा। बस इतनी में बुरी नहीं है, है ना? ये सुनो, वो अम्मा भी की खिचड़ी को देसी घी का बघार लगा दिया था? नहीं। क्यों? जरूरत नहीं, अम्मा भी अब परहेजी खाना खाएंगी। अच्छा वो किस खुशी में? डॉक्टर ने बोला है इस खुशी में। वैसे ना ये बात तो मुझे सीधे मुंह से भी कर सकती थी। तो मैंने कौन सा टेढ़ा मुकर के बात की है, सीधे ही मुंह बात की है। ये सीधा तो पता नहीं टेढ़ा कौन सा होगा। खैर तो वो ही निष्काम है कि तुमसे बात की जाए। ओ बीबी तुम बड़ी काबिल हो बात करने की, मैट्रिक फेल। अरे अरे तुमने फिर मुझे फेल होने का ताना दिया, 10 दफा बता चुकी हूँ वो सब झूठ था। अरे मैं तो पूरी क्लास में, अरे रहने दो रहने दो, शायद भूल गई हो कि हम एक ही स्कूल में पढ़े, और एक नहीं 3 बार फेल हुई हो तुम, 3 बार। हाँ तुमने तो जैसे पूरी क्लास में टॉप किया था ना, मुश्किल से 33-35 नंबर लेकर पास हुई थी, और वो भी इधर उधर से नकल लगाकर। तेरे से बेहतर ही थी। अरे चल हट, अरे तू हट, काम कर अगला, तुम भी काम करो अपना, चुप करके बैठी रहे। बूढ़ का सत्यानाश कर दिया। अरे अब बंद भी कर दो टेलीफोन यार। जी जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये ले बर्मिया बंद कर दिया। अच्छा भाई मेरा तो पहले ही यही इरादा था कि अब हम ज्यादा दिन तक वो सुनारा को घर बिठा के नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ की जिद है कि वो अजीम का इंतजार करना चाहिए। वो बेचारी तो इतने सालों से अजीम का ही इंतजार कर रही है। हाँ मैं जानता हूँ मैं। क्यों रुबैजा बेगम तुम बताओ? तुम्हारे अब्बा ने और मैंने ये फैसला किया है, तुम्हारे फुप्पा के जो भाई हैं सलीम, उनसे हुसैन आरा का निकाह कर दिया जाए। इतवार को वो आएंगे अंगूठी पहनाने हुसैन आरा को। लेकिन अम्मा भी उनकी तो दोनों बीवियां मर चुकी है और 4 बच्चे भी जवान हैं। देखिए बजाहिर तो बहुत अजीब सा रिश्ता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर दूसरे अंदाज से देखा जाए तो खाता पीता आदमी है, कारोबार भी अच्छा है, और नाजुबाद में 2 घर हैं जो किराए पे दिए हैं। मेरे ख्याल 2-2.5 लाख रुपया किराया तो वहीं से आता है। साबिर भाई वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ ये बात भी तो सोचनी चाहिए कि वो, मेरा मतलब है हुसैन आरा से कम 12-15 साल बड़ा है।
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।